गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था क्या, नहीं एक सेकंड, पिछला एपिसोड यार मुझे तो याद ही नहीं है ना। हाँ यार बहुत टाइम हो गया बिना खेले हुए, इसलिए यार मुझे याद नहीं। और तुम लोग पूछोगे कि इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था, तो मेरे फाइनल टर्म के एग्जाम चल रहे थे, नहीं अभी भी चल ही रहे हैं, ठीक है। वो मैं ऐसे तैसे वीडियो बना लिया और मुझे टाउन का नाम भी याद नहीं है। और हमें इस टाउन में क्या चल रहा है हमें घंटा नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे गैलेक्टिक का बंदा है, चल भाई तुझसे बात कर लें। इफ ड्राइव टू माय सूट में आई विल शट यू डाउन विद अ पोकेमॉन बैटल। अबे तुझे ऐसा हराऊंगा ना भाई जिंदगी भर ना, तू हमसे लड़ने में डरेगा भाई। तू बता तू कैसे जीतेगा यार मुझसे, क्यों बोलते हो यार, थोड़ी शर्म रखा करो। मतलब जब तू खुद हारेगा तुझे कितना बुरा लगेगा। कि पहले तो बहुत बन रहा था कि भाई मैं जीतूंगा, इसलिए कह रहा हूँ पहले बोला ही नहीं करो, ठीक है। मैं तो कभी पहले बोलता नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक पालकिया की एक साइड ड्राइंग और एक साइड है डियाल्गा की। वेल अरेंट यू क्वाइट द ट्रेनर, ओके। अच्छा हाँ सेलेस्टिक टाउन है। और यहाँ पे सिंथिया ने भेजा था ना ओल्ड चार्म देने के लिए उसकी दादी जी को, ये वही होंगी। हाँ ये वही है, ओके। चलो अपन पहले थोड़ा देखते हैं और अंदर चलते हैं। अब मुझे केव में तो जाना है भाई, ये कैसी अजीब सी केव है। चलो ठीक है भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, आगे थोड़ी पेड़। यहाँ पे तीन गार्डियन पोकेमोन है ना वो, हाँ मैं नाम भूल गया हूँ। यू एग्जामिन द एशियंट केव पेंटिंग, मिस्टीरियस डिजाइन कवर अ होल सेक्शन ऑफ द वॉल। देयर आर थ्री स्ट्रेंज थिंग्स फॉर्म अ ट्रायंगल, इन द मिडल ऑफ देम इज अ शाइनिंग स्फीयर। व्हाट दिस ऑल अबाउट, यार मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गया। यूजेल्फ करके कुछ था ना, उक्सी ऐसे थे कुछ। हम द केव पेंटिंग रिमाइंड्स मी, अरे यार पढ़ ही नहीं पाया मैं भी, इतना धीरे क्यों पढ़ता हूँ यार। अगला अपोजिंग दिस बीइंग वर थ्री पोकेमॉन, अच्छा ओके तो ये ऐसे हैं। अच्छा शिनो के एंशियंट लेजेंड्स हैं भाई, ये तो मुझे भी पता है। ओ यस आई फाउंड समथिंग यूजफुल, क्या है भाई। अच्छा ये इसकी सिंथिया, इसकी ग्रैंड डॉटर है ना, सिंथिया यूज नहीं कर रही इसलिए हमें भाई, वो जो यूज नहीं कर रही वो हमें क्यों दे रही है, वो जो यूज करती है वो देना। अच्छा सर दे दिया, थैंक यू दादी जी, आई मीन इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, ठीक है दादा। ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। और तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना रुक रुक के क्यों बोल रहा हूँ, भाई मुझे भी तो आदत नहीं है, आई मीन कैसे हो पाएगा ये तुम बताओ, इतने टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला, ठीक है। आगे तो जा नहीं सकते यार, इस गेम में ना एक्सप्लोर करने के लिए कम है। और लेट्स गो पिकाचू में बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। और सोर्ड एंड शील्ड में तो कुछ ज़्यादा ही। और गाइस मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता था, मैंने एक नया गेम डाउनलोड किया है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी कैकरोट, आप तो जानते ही होंगे है ना। और गाइस मैं वहां से निकल के आ गया यहां पर, क्योंकि हमें वापस आना था। हमें बताया गया मैप वालों ने, बताया कि यहां पे हमें एक जिम लीडर मिलेंगे। मैं इस जगह का भी नाम भूल गया हूं यार, मैं कैसा चोमू हूं। अच्छा यहां पे कुछ पड़ा, अच्छा व्हाट इज, ठीक है भाई 16 है, 16 होता है, हाँ 15 हो गया, 15 ठीक है। ओहो ओहो फाइनली यू हैव अराइव्ड, भाई तू ही नहीं थी, सिंस आई केम टू दिस रीजन आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। हाँ भाई हम भी यही करना चाहते हैं, आई मीन जब से पैदा हुए हैं यही करना चाहेंगे, और एक दिन तो हमारे पैरों में होगी क्योंकि हम होंगे चैंपियन। भाई यार मैं बहुत जल्दी चैंपियन बनने आ रहा हूँ, तो भाई छोटे मोटे बैटल मत करवाया करो भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ज़्यादा पावरफुल होगी। कोई बात नहीं, अपना इन्फर्नेव है संभाल लेगा भाई, अच्छे से मारूंगा मस्त फ्लेम व्हील, ठीक है। फ्लेम व्हील के मुझे शेडर्स देख के इतना मजा आ जाता है ना भाई, फ्लाई क्यों यार ऐसा नहीं करो, मतलब ये तो चीटिंग है ना ब्रो। अब मेरा पूरा टैग वेस्ट जाएगा, चलो अपन पोकेमॉन चेंज कर देते हैं। स्टार के पास भी तो फ्लाई है और एरियल इज भी है, ठीक है, पर फ्लाई तो अपन पे लगेगा यार, ठीक है भाई। अरे फ्लाई मुझे ना बहुत अच्छा टैग लगता है, आई मीन पर ये बहुत घटिया अटैक भी है, क्योंकि भाई जब दूसरा बंदा करता है ना, तुम सोचो तुम्हारा एक अटैक वेस्ट गया और इतना डैमेज देगा ना वो। हाँ ठीक है मैं थोड़ा हार रहा हूँ, कोई बात नहीं यार ऐसा मत बोलो, मैं जीत जाऊँगा, इतना नूब नहीं हूँ मैं, ठीक है। कोई फालतू नहीं बोलेगा कि इसे खेलना नहीं आता, सब आता है बे, ठीक है। एक्वाड भाई इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अटैक कैसे अवॉइड कर रहा है यार, घोस्ट टाइप का यही घटिया लगता है, कन्फ्यूज रे मारते हैं उसके बाद कन्फ्यूज करते हैं। अब इनके ऊपर डक्स आएंगी और ये कुछ कर भी नहीं पाते, मेरे पोकेमॉन इतने टट्टी हैं ना कसम से। अरे कर दिया थैंक यू, अबे क्या कूटा है इतना, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू कर पाएगा।
इन्फर्नेप 37 का हो गया भाई, अपना फियर्स ना काफ़ी छोटा है और अपना जो लग्जरी है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मुझे अपने पोकेमोन को थोड़ा एकदम सेम लेवल पे रखना है और थोड़ा लेवल भी कर। अरे हमें पता है भाई, और ऐसी घटिया ताली ना बजा, ठीक है। 9216 ओके डॉलर भाई, मतलब क्या इतने पैसे मुझे आज तक मेरी माँ ने नहीं। अगर भाई गेम में जॉब भी ना करूँ ना, ट्रेनर बनो तो तुम इलॉन मस्क से अमीर हो जाओगे भाई। कितने पैसे देते हैं, पैसे कमाने हो वापस एलाइट फोर्स से लड़ लो। मैं भी नया नाम भूलने लग गया हूँ आजकल। अच्छा स्टीकर भी मिल गया, TM-65 क्या होगा, फ्लाई देगी क्या? नहीं फ्लाई तो नहीं देगी, शेडो क्लो। हाँ यार अब मतलब घोस्ट टाइप है तो फ्लाई क्यों देगी, मैं भी ना पागल हूँ। चलो चलते हैं। और यार यहाँ से जाने के लिए भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, नहीं करना पड़ा, हाँ भूल गया, हार्ट रूम से ठीक। और यहाँ पे आई एम सो ग्लैड टू सी यू, हाँ ठीक है ना, ओके बट द टीम कलेक्टेड, ओके कुछ बात कर रहे हैं, मैं घंटा पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ कैनलेव सिटी में जाना है, अच्छा हमें, ओके तो जाएंगे जल्दी, ओके बाय बाय। भाई आपसे बात करना कौन चाहता भी था, अगर मेरा बीच में बाय बाय कर सकता होता ना तो फिर था, ठीक है। कैनलेव सिटी है कहाँ एक्चुअली, मुझे पता भी नहीं है भाई, क्या कैनलेव सिटी तो इतनी दूर है यार। चलो जुबिला सिटी से होके चलेंगे भाई, इसका फ्लाई भी बड़ा मस्त है, ओके पहुँच गए अपन। चलो अब चलते हैं जुबिला सिटी पे, हाँ पहले हील तो करवा लूँ, ओके गाइस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा नहीं यहाँ पे तो वो लड़की मिलेगी जिसका बॉयफ्रेंड उसे आया नहीं 3 बजे, है ना। चलो इनसे एक और बार बात मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अपना बॉयफ्रेंड नहीं, अबे यार ये बाइबरेल बन गया, मुझे नहीं पता था ऐसा भी होगा। भाई इसकी सर्फ कितनी सेटिस्फाइंग है भाई, किसी गेम की सर्फ मुझे अच्छी लगती, ठीक है। लेट्स गो पिकाचू में मैंने अभी तक अनलॉक नहीं की भाई, कितनी सेटिस्फाइंग है भाई। मैं गलती से आया यहाँ पे, मेरे रेयर कैंडी मिल गई भाई, मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे खुद को नहीं पता था मैं इतना लकी हूँ भाई। इसका सर्फ कितना सेटिस्फाइंग है, जब आप खुद खेलोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब खुद खेलोगे ना तब पता चलेगा, ओके। यहाँ पे एक सेलर है भाई, बैटल करोगे मतलब भाई मैं आपके छोटी सिस्टर के तरह हूँ, छोटी सिस्टर ठीक है, उससे बैटल मत करो। रूट 218 इनसे बात करो, इनने खुद ही कर लिया, बिकॉज लॉन्ग टाइम नो सी। आप कौन? अच्छा ये वही है प्रोफेसर रोवन के असिस्टेंट, ओके भाई हम ज्यादा करते नहीं है तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ओके ओके। हमें भी पता है भाई टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, हाँ हाँ गैलेक्टिक को हम लोग देख के रखेंगे। सालों के पिछवाड़े में ऐसी लात मारूंगा ना साले, आज के बाद ना कभी वो बोलेंगे नहीं कि मुझे एक नया दुनिया बनानी भाई। क्या है क्या है भाई, क्यों कर रहा है ये सब दोगला बना है, ठीक है। एक टाइम पे तुम्हें पावरफुल भी होना है, एक टाइम पे तुम लोगों दुनिया को भी अच्छा करना है, और एक टाइम पे तुम लोगों को दुनिया को खराब भी करना है, ये सब दोगला बना है, ठीक है। और साले तू यहाँ पे क्यों आ गया, किसी ने बुलाया, तेरा काम है भाई? इसके पास तो 5 पोकेमोन है स्टार एरिया, साले तेरे इतने छोटे क्यों रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। इसका 24 लेवल का वो था ना स्टार ली, और इसका स्टार एरिया तेरा लेवल अप हुआ है भाई, 32 का हो गया। चलो थोड़ा लेवल अप, ये ले पावर अप पंच, और ठीक है नहीं मरा, मैं यही बोलता हूँ कि मर जा भाई। देखा भाई देखा, मैं ऐसा कूदता हूँ ना तुम, मेरा अपना भी अलग लेवल है ब्रो लेवल। और भाई फ्लोरा तो इतना मस्त पोकेमोन है ना, और तुम लोग को पता है मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि फ्लोरा कैसे इवॉल्व होगा, कैसे इवॉल्व होगा, हाँ तो पता है मुझे क्या पता चला, एक्चुअली इसके लिए स्टोन लग जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ। तो अब हम लोग को जाना है कैनलेव लाइब्रेरी में, और वो हम जाएंगे अगले एपिसोड में। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म।